सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, अभी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं अब जो कि जाने के लिए, जो कि बलूचिस्तान का मतलब एंट्रेंस भी कहलाया जाता है। तो अभी हमारी प्लानिंग चल रही है वहाँ जाने की, तो इंशाल्लाह वहाँ जब डन होगा तो हम आपको मज़ीद बताते जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और आज का हमारा प्लान है होगा अब जो कि, क्योंकि वेदर भी बड़ा खूबसूरत सा वेदर चल रहा है, तो ये वेदर में हम लोग ने डिसाइड ये कर लिया था कि हम कोई ऐसी जगह आउटिंग के लिए निकलें कराची के, मतलब नॉर्दर्न कराची हो, खूबसूरती के लिहाज से भी मतलब अट्रैक्शन वाली जगह हो। तो चलो हम मज़ीद आपको वहाँ चलकर बताते जाएंगे और अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो रास्ते की भी कुछ अट्रैक्शंस तो अच्छी वीडियो बना के आपको पहुँचाते रहेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं, मेरे साथ है बिलाल और आसिफ तहसीन जो कि मल्लीर में रहता है, अक्सर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जिक्र करता हूँ, ठीक है। और बिलाल है, और आज हमारे ग्रुप में एक और भी बंदा शामिल है, नासिर। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह, फिर वहाँ पहुँच कर आपको बताएंगे, ठीक है। गाइस हम लोग यहाँ चौकी के करीब पहुँच चुके हैं, तो हमारा जो है ना दूसरी दफ़ा हमारे जो है ना ये गाड़ी का चेन है ये हमें धोखा दे रहा है। दुआ करें हम लोग वहाँ सही सलामत पहुँचे, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये यार हर दफ़ा जो है ना बगैर ना के आते हैं, तो हमें रास्ते में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है भाई। तो ये माशाल्लाह देख रहे हो आप, खूबसूरत सा है, और हम लोग बस अब चौकी के करीब पहुंच चुके हैं, तो आगे चलकर आपको अब चौकी को भी दिखाएंगे। बलूचिस्तान का जो है ना वो सामने आप देख रहे होंगे, पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये तहसीन भाई आप, हम दूसरी दफ़ा हम लोग मतलब हम लोग कहीं पे आउटिंग के लिए जाते हैं तो इसका ये मसला आता है, क्यों भाई? भाई ऐसे से पूछो, या तो ये ना के नहीं आया या तुम ना के नहीं आया। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना के आया। ये यार आप आसिफ, आप क्या रिकमेंड करेंगे यार? हर दफ़ा हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं बाहर तो ये मसला इसके साथ पेश आता है, क्यों क्यों जल्दी कमेंट करें फिर आगे चल कर आगे चलते। अब क्या कह सकते हैं, बकौल इसके तो ना कर आया, हम देखते हैं कि इसके वादी नाने के असरात हमें बचाते भी हैं या नहीं। चलो फिर आगे चलकर आपको बताएंगे। ये अच्छे ना आप क्या कहेंगे? धीरे धीरे वो वाला वीडियो सो गाइस, चौकी पहुंचने के फौरी बाद हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच की, ठीक है। एक मज़ेदार लंच करने के बाद हम रवाना हुए अपने डेस्टिनेशन की जानिब,
जो कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो अभी हम इस छोटे से खूबसूरत से विलेज से होता हुआ आगे जा रहे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुँचती रहे और इस वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अपना ख्याल रखें।